अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, ये टोटो का गियर ऑयल चेंज करना है। बहुत दिन हो गया गियर ऑयल चेंज नहीं किया, तो अभी मेरे पास आया है गाड़ी गियर ऑयल चेंज करने के लिए। तो चलिए इसका गियर ऑयल चेंज कर देता हूँ। गियर ऑयल चेंज करने के लिए जो पहले वाला गियर ऑयल है उसको निकाल के फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ख़राब हो जाता है, वो गियर ऑयल सही नहीं रहता। इसलिए ये जो नीचे की तरफ एक नट दिख रहा है आपको, वो वाला नट खोल के आपका जो अंदर गियर ऑयल है उसको निकाल देना है। तो चलिए पहले नीचे वाला नट को खोल देता हूँ और गियर बॉक्स के अंदर जो गियर ऑयल है उसको निकाल देता हूँ। ये निकालने के बाद फिर नया गियर ऑयल डालेंगे। देखिए अंदर हवा पकड़ रहा है इसलिए नहीं निकल रहा है अच्छे से। ऊपर का नट खोल दूंगा तो अच्छे से निकलेगा, हवा पास होने का जगह मिल जाएगा तो पूरा ऑयल निकल जाएगा। देखिए ऊपर का नट खोल दिया तो कैसे निकल रहा है, ये बहुत गंदा हो गया ये वाला ऑयल। तो इसको चेंज करने के लिए आया है, इसको चेंज कर देता हूँ। और ऑयल भी ज़्यादा नहीं है तो ऑयल भी डालना है और इसको चेंज कर देता हूँ। तो देखिए ये तो गिर गया जितना था। अब इसका जो नट है उसको कस देना है ताकि नया ऑयल डाल सके हम। ये नट को कस देंगे और जो ऊपर का जो नट है जिसको मैं खोला अभी पहले थोड़ी देर पहले, वो नट से उधर से हम ऑयल डालेंगे। फिर उधर से ऑयल डाल के उसको कस देंगे। इसको पहले कस दीजिए, नहीं तो उधर से डालेंगे और नीचे से निकल जाएगा। तो चलिए इसको डाल देता हूँ। देखिए ऊपर से ही डाल रहा हूँ, जहाँ से ऊपर वाला नट खोला उसी से। ऐसे ही दो डिब्बा लगता है वहाँ पे, आप ढाई तीन डिब्बा दोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से आप आराम से ऑयल डाल सकते हो, किसी दुकानदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मैकेनिक के पास, क्योंकि ये सब काम छोटा मोटा काम तो आप खुद ही घर पे कर सकते हो और आपका पैसा भी बहुत बच जाएगा। इसके लिए खाली एक 12-13 रिंच चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे ही करके आप डाल सकते हो और डालने के बाद ऊपर का नट कस देना। तो टोटो के बारे में और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर